तो हाय ब्रिजेंद्र सर एंड पलाश, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच रिचा। थैंक यू रिचा। अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले मैंने रिक्शा देखी है और सही बता रही हूँ, मेरा खुद एक राइड करने का मन हो गया। खूब घुमाया आपने रिक्शे में अनु मलिक और किसको किसको। नहीं सर, कैसा लगा? तो अभी बहुत बढ़िया लगा। तो फर्स्ट टाइम कितने एपिसोड देखे? अभी मैंने पहले ही देखा, अभी जस्ट फिनिश करके मैं बैठी हूँ और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि I will watch. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी चौथा भी आने वाला है। क्या बात है। और बहुत मजा आया। मतलब वही होता है कि आप शुरू शुरू में, जैसे मुझको जब स्कूटर नहीं आता था तो मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसे ही, क्योंकि देखा था, करते नहीं आप बचपन में ऐसे किक मारते ऐसे ही, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को इतना मैंने ध्यान रखा कि बस ये जो एक्सीलेटर है हाथ में, इसको कितना हैंडल करना है। तो बस ऐसे करते करते ऐसे ही ये ऑटो भी, क्योंकि ऑटो आप कोई भी नहीं चलाता, मतलब ऑटो भी जिसको ऑटो का काम नहीं आता हो वो वही उसको करेगा, मतलब जिसकी जरूरत होगी, अदरवाइज तो किसी को आएगा। मैं एक बार एक नेटफ्लिक्स का वो कर रहा था, ऐड कर रहा था, तो वो भी ऑटो के ऊपर था कुछ, तो मुझसे पूछा गया कि सर आप ऑटो चला लेते हैं? अरे मैं क्या दोबारा पूछ। तो समझ में आया कि नहीं नहीं मेरा मतलब है कि मतलब, बल्कि मैं कैसे कैसे तेरे को बोल सकता हूँ कि मैं ऑटो चला लेता हूँ। मैंने कहा, मैं ये पूछो कि आप स्कूटर वगैरह चला लेते हो? तो जिसको थोड़ा सा भी क्या ये है, अगर आइडिया आपकी बाइक चला लेता है, साइकिल चला लेता है, स्कूटर चला लेता है, तो उसको थोड़ा कम्फर्टेबल है वो, क्योंकि उसका ज्यादातर जितने भी एक्टिविटीज है सेम करीब करीब वैसी है। मजा आया, फिर धीरे धीरे करके खूब मजा आया। पूछो प्लास्टिक हमने फिर छोड़ा ही नहीं। तो पलाश, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, डायरेक्ट करना, म्यूजिक देना, इट्स अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। नावाली से थोड़ा ही बड़ा है। इतना टैलेंट का पिटारा कहाँ से है पलाश? बॉर्न टैलेंट क्या? टैलेंट तो काम आता है जब ब्रिजेंद्र सर जैसे एक्टर साथ में होते हैं, इतना और सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया, वो ऑटो खुद चला रहे थे एंड हम लोगों ने क्रोमा पे शूट नहीं किया या फिर कहीं गाड़ी खड़ी करके शूट नहीं किया। हाँ। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मुझे एक ऐसा एक्टर मिल गया था जो कि एक तो खुद में इतने महान है, ऊपर से उनको स्क्रिप्ट याद रखना, लोगों से इंटरेक्ट करना, जो पीछे बैठे जैसे अनु जी बैठे, पलक बैठी है, अदर एक्टर्स वर देयर, तो उनसे इंटरेक्ट करना और ऑटो चलाना, और ऑटो के बाहर रिग लगा था साइड में एंड आगे, तो वो कहीं टकरा नहीं जाए, हम लोग की गाड़ी आगे रहती थी, हम लोग से टकरा नहीं जाए, तो वो बहुत मुश्किल था। उन्होंने मेरा आई थिंक 60% काम बहुत ही आसान कर दिया था। तो आई थिंक ये सब कुछ हो पाया एक बहुत अच्छे एक्टर की वजह से, जो कि साथ में सपोर्ट करते गए हमेशा। क्या बात है। तो अनु जी के अलावा और किसको किसको बिठाया आपने अपनी गाड़ी में? अनु जी के अलावा पलक को बैठाया, और जो मतलब सेलिब्रिटी रहे साथ में, और बाकी तो जो कास्ट थी उनको राइड किया, इधर से उधर लेके गए। हर एक को एक बार तो दिमाग में ख्याल आता ही होगा ना कि वो तो सब ठीक है, क्योंकि डरते थे इस बात से कि कैमरा लगा हुआ था। हाँ, तो जो हमारा ऑटो के अंदर लगा था कैमरा वो तो था ही, लेकिन ऑटो के बाहर जो रिग में लगा हुआ था वो इसको बाहर भी लगाना था, एक सबसे डिफिकल्ट था साइड, सामने लगा हो चलो फिर भी चले, लेकिन जो बिल्कुल एकदम साइड से जो लगा होता है उसमें आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है कि साइड से कोई निकल जाए, कोई इधर से, या आप ही कहीं इतना अगर आपने बैलेंस बराबर बना के नहीं लगा तो साइड पता नहीं किससे आप टकरा जाओ, तो सबसे बड़ा नुकसान कैमरे का। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ मैंने जो किया, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, करत करत अभ्यास, इतनी बार चलाए इतनी बार चलाए, तो मुझे लगता है कि शायद आखिरी के जो दो तीन दिन थे वो तो चलो बैठो कौन चल रहा है। आप दोनों रियल लाइफ में कितनी बार बैठे हैं अभी तक ऑटो रिक्शा में? नेचुरली मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बॉम्बे शहर के अंदर मतलब मेट्रो सिटीज हैं जहाँ पहले ऑटो चलते थे, बाकी स्मॉल टाउन में तो ऑटो बहुत बाद में आए होंगे धीरे धीरे करके। और जिस वक्त मैं यहाँ आया था सिर्फ ऑटो मैंने बॉम्बे में ही देखा था, उस वक्त तो दिल्ली में भी कायदे से शुरू नहीं हुए थे, है ना। तो जब तो मैंने पहले भी बोला कि मतलब
या तो लोग अपनी कार से आते थे, उनको हम स्टार बोला करते थे, उसके बाद जो लोग आते थे वो ट्रेन से आते थे या फिर बस से आते थे, और जो ऑटो से आते थे एकदम शट तो स्टूडियो में ऑटो घुसा, जेब से पैसे निकाले, हाथ में दिए, आए, तो बहुत बड़ी चीज आती थी वो भी ऑटो से आया, फ्री टैक्सी से, सबसे बड़ी चीज है ना। तो ऑटो में कई बार बैठे, बहुत बार बैठे, बस में भी बैठे, क्योंकि बॉम्बे की मैं चलने फिरने का हिसाब किताब यही है, या तो बीएसटी की बस या फिर ऑटो, और ट्रेन जो है उसमें बहुत बहादुर लोग चला करते हैं जो जिनके शरीर में दम है, वो जो है, हाँ बिल्कुल, तो वो जो है लोकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब ऑटो एक अपने आप में बहुत ही सभ्य और जैसे कहते हैं कि आदर्श वाली सवारी है, और आरामदायक भी, आरामदायक तो डेफिनेटली है, और जल्दी पहुंचती है, सबसे बड़ी बात, हाँ जल्दी पहुंचती है, राइट जी। तो पलाश आप कितनी बार बैठे हो? मैं तो अभी भी बहुत बार बैठता हूँ, गाड़ियां तो अभी आई है हम लोग के पास, पलक दियो मेरे पास, अभी भी हम लोग जिम में चले जाते हैं ऑटो से, या फिर कोई मीटिंग अर्जेंट जाना रहता है तो अभी भी ऑटो, एंड आई डोंट थिंक मुंबई में ऐसा कोई बंदा है जो ऑटो में नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ की जो रिक्शा की सवारी है वो बहुत ही ज्यादा, यू नो, जैसा सर ने बताया, बहुत जल्दी पहुंचा देती है, एंड कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी तो फंस ही जाएगी ट्रैफिक में, या तो लेट हो जाएगा ड्राइवर लाने में, तो ऑटो इज द आई थिंक द चीपेस्ट एंड द, यू नो, बहुत फास्ट पहुंचा देता है हर जगह। बिल्कुल पलाश, राजकुंद्रा से कैसे एसोसिएट हुए थे, कैसे कैसे ये सब कनेक्शन हुआ और कैसे डिसाइड हुआ कि यहाँ पर लॉन्च करना है? राजसरन शिल्पा शेट्टी दी मेरे बहुत लकी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला गाना तू ही आशिकी जब आया था व्हेन आई वाज 18, तो वो भी उनके प्रोडक्शन से ही आया था, डिश क्या होगा, क्यों एक मूवी थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, तो जब से बहुत बॉन्ड बना हुआ है योगा की, जितने भी ऐप से शिल्पा दी की वो सारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब मेरा है, तो बहुत सारे कुछ ना कुछ हम लोग करते आए साथ में, कुछ ना कुछ म्यूजिक किया है, तो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो राज सर ऑलरेडी ही वाज आस्किंग मी कि कुछ है मुझे बॉलीफेम करके एक न्यू ऐप आ रही है उस पे प्रोड्यूस करना है, उस पे डालना है, तो मैंने ये जैसे ही उनको स्क्रिप्ट नरेट की, ही वाज लाइक, एक्चुअली स्क्रिप्ट नरेट के भी पहले एक आइडिया किया था कि एक बंदा है जो ऑटो के अंदर कैमरा लगाता है एंड वो रिकॉर्ड करता है, तो वाज लाइक अप्रूव, गेट मी द स्क्रिप्ट एंड टेक द मनी, एंड आई वाज लाइक सर सुन तो लो पहले क्या है, नहीं नहीं दिस इज लाइक, उनको ट्रस्ट बहुत है एंड एक काम वो भी बहुत अच्छा हो जाता है जब प्रोड्यूसर को ट्रस्ट होता है, तो एक आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो सेट पे आके देखे नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ही ट्रस्टेड अस फुली, तो एक बहुत ही काम आसान हुआ। तो ये मैं भी चाहता था ये कहानी सुनना, ये कहानी मैंने भी नहीं सुनी थी, वो अच्छा वाला सवाल बिल्कुल पूछा, हम मौका नहीं मिला इस तरह का डिस्कस करने का, वही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतना डिफरेंट कॉन्टेंट है ये, कभी ना सुना ना कभी देखा ना कभी ऐसा ध्यान में आया कि ऑटो रिक्शा को कितनी ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है, और कितने अच्छे से आपने हर अपने जो बैठने वाले ग्राहक है उनसे कितने कन्वर्सेशन, कितना कंफर्टेबल था एकदम वैसा। सबसे अच्छी बात क्या क्या कि आप जैसे सवारी से, एक तो क्या होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, दूसरा ये कि जब एक्टर पीछे परफॉर्म कर रहा है और वो एक किरदार निभा रहा है, तो आपको फील आना चाहिए कि आप कब शुरुआत करोगे, करेक्ट, कि वो जो इंटरेक्शन होता है उसके साथ, तो बिल्कुल सवारी की तरह, मतलब एड्रेप्ट लगना नहीं चाहिए कि फिल्मी टाइप नहीं लगना चाहिए, ये इस मौके पे इसने पलट के इससे बोला होगा, है ना, तो वो क्या है कि वो कहानी इतनी जानदार है कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप फील होने लगता है कि अच्छा अब इस समय हम रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो सब करके, अदरवाइज उनके उनके फसावड़े में आप क्यों टांग गुजाएंगे, इस तरह की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि मतलब कि जबरदस्ती एक ऑटो वाला क्यों बोल रहा है फालतू में ना, इसमें क्यों बहस कर रहा है या क्यों घुस रहा है उनकी बातों में, पर वो एकदम इतना इंटरेस्टिंग और इतना जेन्युइन सेट हुआ है, नेचुरल लगा है कि वो फील आते ही मतलब अच्छा लगने लगा कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड द वे यू रिएक्टेड जब अनु मलिक जी बैठे और जब आपका एक्सप्रेशन था कि जैसे स्टार स्ट्रक जो होते हैं जो बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, दैट वाज वेरी जेन्युइन एंड ब्यूटीफुल। और मैं राजेंद्र जी आपसे वो सुनना भी चाहूंगी जो आपने और अनु जी ने मिलके गाया है ऑटो के ऊपर, याद है या नहीं? मुझे कहाँ याद होगा, वो तो अनु जी ने याद कराया था, वो बोलते गए और मैं वो ऑन द स्पॉट था, अनु सर ऑन द स्पॉट करते हैं, उन्होंने ऑन द स्पॉट किया। अच्छा, उसके पहले उन्होंने पूछा भी क्या करना है, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे ऑटो में आके बैठना है,
जो मेरे को भी पता था कुछ ना कुछ सर है, अनु सर है, तो कुछ ना कुछ खेल लेंगे। मैंने बोला सर उसके बाद कॉन्वर्सेशन देखना है, कुछ आप देख लेना अगर कुछ हो जाए तो। तो बोले ठीक है मैं कुछ कंपोज करता हूँ, कुछ शायरी लिख दूंगा, हो गई तो हो गई। तो बोला सर पक्का पहले लिख लो, तो बोले नहीं मैं उस टाइम कर लूंगा। तो वन टेक में इट वॉज, क्योंकि एक ऑटो रिक्शा चल रहा था तो हम लोग बीच में एडिट नहीं कर सकते थे, तो वन टेक में जो भी हुआ वो वन टेक है। एंड दोनों ने कमाल कमाल किया। तो सबसे अच्छा क्या है ना कि हमको ये पता है कि हाँ कि मतलब कि कोई मतलब ऐसा नेगेटिव वाली रील तो है नहीं जिसमें कि बहुत वैसा हो जाएगा यार पहले तैयारी कर लो। तो अभी ये है कि मतलब अगर हम रिहर्सल करते हैं तब भी बात हुई है, टेक करते हैं तब भी बात हुई है, क्यों ना हम टेक करें, क्योंकि टेक करेंगे तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट चीज बढ़िया आ जाए एक ही बार। और वो जो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो पलाश इतनी ब्यूटीफुली आपने लिखा है इसको कि सीरियसली बता रही हूँ, बहुत कम होते हैं जो इतनी कम एज में इतनी अच्छी करते हैं पलाश, इट इज रियली कमेंडेबल। तो पलक कितना सपोर्ट करती हैं आपको, पलक के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी पलाश? पलक तो हर प्रोजेक्ट में मेरा सपोर्ट करती है, जब मैं कोई गाना बजाता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कंपोज करते हैं के टाइम की, मैं सबसे पहले पलक को सुनाता हूँ या मेरे टीम्स में टीम में को सुनाता हूँ, तो हमेशा वो जो रिव्यू देती है ऑनेस्ट रिव्यू देती है कि ऐसा है या कैसा है जैसा भी रहता है। एंड हमेशा उसने मेरे गाने गाए हैं, कभी ऐसा बोला नहीं मेरी रिकॉर्डिंग है तो मैं उधर जा रही हूँ। मैं रात को काम करता हूँ तो रात को वो सोती है नॉर्मल पर्सन की तरह, तो मैं उसको रात को 3 बजे उठाता हूँ या 4 बजे उठाता हूँ गाना डब करना है, एंड शी कम्स एंड तो ऑलवेज सपोर्टिव रही है। इसमें भी उसको पता नहीं था कि उसको करना क्या है, मैंने बोला था रिक्शा की शूटिंग है तिकवान है, तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। एंड हम लोग उल्लास नगर में शूट कर रहे थे जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर था कुछ, एंड बहुत गर्मी थी, सर के लिए भी बहुत गर्मी थी। एंड वहां पे आई उसने बोला ओके ये सब है, तो ऑलवेज सपोर्टिव रहे, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछती, शी नोज व्हाट आई एम डूइंग एंड शी आल्सो ट्रस्ट इन दैट, सो ऑफ कोर्स एक ब्लेसिंग की तरह एक बहन है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बता दीजिए कि हम लोग तो जानते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पे आ रही, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म अभी तक आइडिया नहीं है, तो उनको भी बता दीजिए कितने एपिसोड आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं, वो भी बता दीजिए प्लीज। अभी 3 एपिसोड आ चुके हैं, एंड बॉलीफेम करके एक नई एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर या गूगल प्ले पे मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा हम हर हफ्ते ये यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहा है, तो कल 4th एपिसोड आएगा एप्लीकेशन पे एंड 3rd एपिसोड आएगा यूट्यूब पे। तो छोटी सी एप्लीकेशन है, ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, तो प्लीज आप जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रमोट नहीं हो पा रहा है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने दिल से काम किया है, आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से कि ब्रिजेंद्र जी अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं आप, कौन सी फिल्म या कौन सी सीरीज लेके आ रहे हैं? बस पलाश के साथ, पलाश बताएंगे। अरे वाह बताइए पलाश। हाँ सर, जैसे ब्रिजेंद्र सर ने बताया अभी राइटिंग में ही है, ऑलमोस्ट ये लॉकडाउन तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी एंड जब हालात बेहतर हो जाएंगे, अभी हालात बहुत खराब है देश के, तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या कर पाएंगे। इनफैक्ट क्रिएटिविटी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जब भी मैं लिखना चाहता हूँ, जब बहुत सारे हालात ऐसे हुए, बहुत सारे आसपास के लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है कि वो क्रिएटिविटी भी आई डोंट थिंक सो हम लोग सही जगह पे पहुंचा पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम करेंगे एंड म्यूजिक तो आते ही रहेगा, लेकिन हम लोग साथ में बहुत जल्दी एक और फिल्म भी बनाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो जैसे ब्रिजेंद्र जी हमने आपको हर रोल में देखा है, आप वैसे ही हैं, एक्चुअल में भी पहली बार हमारी मीटिंग हो रही है, आप वैसे जी, जी, जी। क्या कहते हैं फन लविंग टाइप के इंसान है, आपसे बात हर कोई वही तो हर कोई कहता है कि एक्टिंग करता ही नहीं है। लग भी नहीं रहा है, मुझे अभी लग रहा है जिसको मैंने अभी देखा उस प्लेटफॉर्म पे उन्हीं से बात कर रही हूँ, उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को टाइम देने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।